ब्रेकिंग तो माशाल्लाह ठोक दी भाई ने, लेवल है। ओ भाई साहब ब्रेक लग गया, तो स्विफ्ट में ताकत तो काफी बढ़िया है भाई साहब। मतलब हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे और मजे कर रहे होगे। गाइस मेरा नाम है सीजे और आप देख रहे हो सीजे के व्लॉग्स। तो यार जैसे कि आप सभी को पता ही चे कि अपन ने ना लास्ट वाले एपिसोड में मिथ पेट की है रेड कलर की एल ए फरारी को उड़ा लिया था। मतलब कि यार इसको मैंने चुरा लिया है। एंड गाइस अभी इसको बेच कर मैं लेने वाला हूँ एक बड़ा सा बंगलो एंड एक प्यारी सी इंडियन कार। तो यार मैंने इंडियन कार्स ना देखो, मुझे लेनी तो एक ही है, बट मैंने ना देखो तीन मंगवा रखी है, इंडिया से इम्पोर्ट करवाई है। मतलब मेरे लिए नहीं यार, किसी और बंदे के लिए इम्पोर्ट यहाँ पर हो रखी है कार्स। यार मैंने सोचा चलो उसे देख ही आता हूँ लगे हाथ, एंड पता भी चल जाए वो कार लेने लायक है या फिर नहीं। यार चलो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे चलते अपने एयरपोर्ट की ओर। गूगल मैप पर एयरपोर्ट का सिंबल एयरपोर्ट की लोकेशन लगा दी। तो यार अभी कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ से सिर्फ निकलना है एयरपोर्ट के लिए। ओके तो ये KTM मेरी नहीं है गाइज, ये मेरे एक फ्रेंड की है जिसने मुझे अपने पास ये KTM को संभाल के रखने के लिए दिया था। और यार मैं पता है आप सभी को कि बाइक बाइक मुझे पसंद आती है, इसलिए मैंने इस बाइक को उठा लिया। ओके तो किसी ने नहीं देखा, थोड़ी सी ठुक दी मैंने, बट कोई बात नहीं, आसानी से स्क्रैच रिमूव हो सकता है इस पर से। ठीक है गाइस, तो यार फाइनली अपना लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट आ गया। अरे चचा कितने गुस्सा रहे हो अपनी गड्डी नू, जरा होले होले। ओके गाइस, तो यार फाइनली एयरपोर्ट इज हियर माय डियर फ्रेंड्स। अभी यहाँ से घुसने का रास्ता ढूंढते रहो बाबा, क्योंकि मेरे को रास्ता लिटरली एयरपोर्ट का नहीं पता। मतलब मैं यहाँ पर कम आता जाता हूँ, मतलब यार कुछ काम होता नहीं है तो फिर क्यों घुसना एयरपोर्ट पर ऐसे ही। फाइनली गाइस आधे पौने घंटे बाद मुझे एयरपोर्ट पर एंट्री मिल चुकी है। मतलब यार रास्ता ही भूल गया चुका था और मैं यहाँ गोल गोल चक्कर ही काट रहा हूँ यार काफ़ी देर से। मतलब कि हद हो गई यार अब तो। ठीक है गाइस, अभी मेरा मूड ऑफ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि यार अपनी कार लेने जाना है इसीलिए। तो ओके तो मैं अभी ओके तो वो शायद लास्ट वाले टर्मिनल के पीछे ही होगी, यहीं पर शायद मुझे उन लोगों ने ना लोकेशन भेजी थी। यहाँ पर तो कार नहीं है भाई साहब, कहाँ गई? ओके लास्ट वाला वहाँ पर है। यार मुझे लगा यही लास्ट वाला है और मैं थोड़ा घबरा गया। रुको यहीं से कुछ दिख जाए तो। तो यार गाइस मैं पिछले आधे घंटे से यहीं पे खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ बोल रहे हैं कुछ हादसा हुआ है। अभी मुझे जाने की परमिशन मिल चुकी है, चलो चलते और देखते अपनी इंडियन कार आई है या फिर नहीं। ओ भाई साहब तो आ रखी है तीनों की तीनों। रुको अभी इस बाइक को ना मैं थोड़ी देर साइड में लगा देता हूँ बाबा, यहीं पे रख देता हूँ बाइक को, फिर आकर उसे ले जाएंगे। बाय बाय KTM, फिर मिलते हैं तुझे थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो यार अब भी हमारे पास कौन कौन सी कार है? अभी हमारे पास ये है टोयोटा की कोरोला, काफ़ी बढ़िया सेडान है। एंड गाइस लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, दिस इज़ अ टाटा पंच। यार मतलब बहुत ही प्यारी गाड़ी है टाटा पंच, आप सभी को पता ही होगा इंडिया में काफ़ी बिक्री इसकी हो रही है और काफ़ी प्यारी कार है। एंड ये हमारी सभी की इंडियंस की दुलारी स्विफ्ट। यार ये तो सभी जगह पे मिल ही जाती है आसानी से। यार अभी ना अपन ना पहले देखो, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कौन सी कार कौन सी कार। अभी देखो पहले स्विफ्ट को ही देख लेते कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, बाद में टाटा पंच एंड कोरोला अल्टिस का देख लेंगे। ओके तो स्विफ्ट में ताकत तो काफ़ी बढ़िया है भाई साहब, मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को इसकी। ओके थोड़ा स्टे कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है यार। और इसकी स्पीड भी 122 माइल्स तक पहुंच चुकी है, काफ़ी बढ़िया है। अभी इसकी ब्रेकिंग देखेंगे, ब्रेकिंग नहीं 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 ब्रेकिंग नहीं नहीं गाइस नहीं, नो वे। इसकी ब्रेक काफ़ी घटिया है यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसमें ना कोई मतलब मेरे जैसा बंदा तो इसे चला भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी ब्रेक देखो गाइस। यार मुझे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी है इसलिए इसे यहाँ चढ़ा कर देखता हूँ। ओके यहाँ तो प्यार से चढ़ गई यार, कार में दम तो है भैया। नहीं कार को यार जैसे लेने के लिए रख सकते हैं माइंड में कि यार इसे ले सकते हैं अपन। ओके तो यहीं पे चढ़ सक गई भाई साहब। पीछे ना थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये कार हो जाएगी बंद, बट नहीं यार ये तो काफ़ी स्मूथली चल रही थी। ओ भाई साहब देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, मैं इसके ड्रोन शॉट्स भी डाल ही देता हूँ साथ ही साथ। आपको पता ही है आपका भाई चीता है, काफ़ी बढ़िया लग रही है चलाने में। तो यार मुझे अब कमेंट्स में बताओ यार
स्विफ्ट लूँ या ना लूँ। ओके तो अभी स्विफ्ट को तो अपन ने चलो देख ही लिया, तो अभी इसको यहीं रखते हैं एंड लेकर आते हैं अपनी टोयोटा की कोरोला अल्टिस को। ठीक है तो स्विफ्ट को यार वो लोग आकर ले जाएंगे, अपनी नहीं है, मतलब कि किसी और के लिए आई थी इंडिया से, बट यार मुझे इस पर काफ़ी मुझे प्यार आ रहा है, मतलब कि इंडिया की बहुत ही प्यारी कार है, मतलब कि हर गली नुक्कड़ पे एक दो तो मिल ही जाएगी तुम्हें। ठीक है यार बट अभी मेरी चॉइस से थोड़ी सी हट कर है, बट देख लेते हैं इसको भी एक बार। और गाइस दूसरी है सीडान, मतलब अपनी कोरोला, वो तो शायद ही मैं लूँगा, बट देख लेते हैं पावर कितनी है। ओके गाइस तो यार कोरोला आ चुकी है हमारे सामने। एक बार ना मैं इसका तुम्हें इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, स्विफ्ट का तो मैं नहीं दिखा पाया था बट इसका दिखाऊंगा। रुको पहले ना एक गेड़ी मार देते थे प्यारी सी। ओ भाई इसमें तो पावर स्विफ्ट से भी ज़्यादा है, ये तो इसमें पावर तो काफ़ी बढ़िया है और इसकी स्पीड ओ माय गॉड नेक्स्ट लेवल है। ओ भाई साहब ब्रेक लग गया भाई, ये तो पूरी पूरी ड्रिफ्ट मार रही है कार, काफ़ी पावरफुल है यार, बट यार ये ऑफ रोडिंग तो अच्छे से नहीं कर सकती, मुझे पक्का यकीन है। ओ भाई इसकी स्पीड तो देखो कितनी 155 ओए मैंने, मुझे डर यही था कि मैं ठोक ना दूँ, और ये दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा, मतलब ये कोई डिफेक्ट होगा या पता नहीं। ओ देखो यार यहाँ पर पावर ना मार खा गई, मतलब को चढ़ने को हो रही थी तब वो थोड़ी सी कार ना ऐसे रुक कर चढ़ी, मतलब कि यार समझ रहे हो जो भी कार लवर्स है वो सारे समझ ही चुके होंगे आई नो, बट यार जो मेरी तरह नूब बंदे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कार को वो नहीं समझ पाएंगे। देखो जैसे ये बहुत प्यार से नहीं चढ़ पाती यार, ठीक है बट इसका एक बार इंटीरियर भी तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। अरे भैया इसकी स्पीड तो देखो काफ़ी खतरनाक वाली, इस पर ना एक ड्रिफ्ट मार के देखते हैं। ओ भाई ठोक दी यार, दो से तीन बार मैंने ठोक दी है, और आई नो कि इतनी बार ठोकने पर वो कंपनी वाला मुझे गाली ही देगा, बट ठीक है यार आपके लिए कर तो सकते हैं ना अपन इतना तो। यार मैं हर बार ना दरवाज़ा खुला ही रखने की सोच रखता हूँ, बट यार देख रहे हो इसका इंटीरियर, और आगे ये तीनों की तीनों कार ना ऑटोमेटिक है, मतलब कि कोई भी मैनुअल का चक्कर नहीं है, और इसका इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, मतलब कि यार प्रीमियम सेडान है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इंटीरियर प्रीमियम ही होगा, और काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब ये ठीक है। चलो इसको भी स्विफ्ट के बगल में ये छोड़ देते हैं, आई नो स्विफ्ट वो ले गया होगा बंदा या फिर नहीं ले गया, भैया काफ़ी तेज है। ओके ओके रुक जा मेरी माँ। ओके तो इसे मैंने यहीं पर रख देता हूँ एंड देखते हैं अभी चलो कौन सी अपने, ये दोनों तो यार देखो मतलब मुझे आप ही कमेंट करके सजेस्ट करना मैं कौन सी कार लूँ, अभी तो टाटा पंच का बाकी है देखना, चलो उसको भी लेकर ही आते हैं और देख लेते हैं। और ये देख रहे हो मेरा ब्लॉगिंग वाला कैमरा, ब्लॉगिंग वाला जिसको लेकर मैं घूमता हूँ पूरे दिन हाथ में। ओके गाइस तो फाइनली हमारे सामने हमारी टाटा पंच आ चुकी है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, मुझे तो यार पर्सनली बहुत ही मस्क्यूलर और प्यारी कार लग रही है। चलो अभी इसको भी एक बार चलाकर देख ही लेते हैं कैसी इसकी फील है। ओ भाई साहब इसका इंजन भी काफ़ी दमदार है यार, मतलब यार यहाँ पर ना मैं पूरी रात रुका हूँ इस कार को चलाने के लिए। ओके तो इसकी स्पीड चलो देख ही लेते हैं कितनी जाएगी, और ये गाइस ना नॉर्मल वाला वेरिएंट है, इसमें नाइट्रो वाला वेरिएंट भी आता है, वो शायद से अगर देखो मैं पंच खरीदूंगा तो मैं नाइट्रो वाला वेरिएंट ही खरीदूंगा, बिकॉज के मुझे पावर की कुछ ज़्यादा ही नीड रहती, और वो केस की स्पीड काफ़ी बढ़िया, और ब्रेकिंग तो माशाल्लाह ठोक दी भाई ने, नहीं बट वो भाई भाई सिंगल डेंट भी नहीं है इस कार पर, वो भाई साहब क्या है, गजब की कार है वो भाई, मान चुका हूँ इस गाड़ी को मैं कि यार ये इंडिया की सेफेस्ट कार है भाई, मान लिया मैंने। अब इसका भी रैंप पर चढ़ा कर देखते कि इतनी कितना दम है इस कार में भी। ओके तो भाई साहब ये दम तो काफ़ी है इस गाड़ी में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब कि वो स्विफ्ट और वो कोरोला अल्टिस दोनों रुक गई थी, मतलब यहाँ चढ़ नहीं पाई थी, बट ये तो काफ़ी प्यार से चढ़ रही है यार, काफ़ी बढ़िया गाड़ी लग रही है मेरे को। ओ भाई इससे ऑफ रोडिंग तो तगड़ी हो सकती है। ओके ये क्या था मुझे पता नहीं, ठोक दी बट मैंने, कोई बात नहीं आसानी से डेंट छुप सकता है, मालिक को पता नहीं चलेगा। ओ भाई साहब ये कार काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को, अभी ना इससे इसको भी एक ड्रिफ्ट मरवा के देखेंगे यार, ठोक दी मैंने वो उसके पंजर ढीले हो गए भाई साहब, भाई रुके
रुक बे साले, नवी नवी गड्डी ने मेरी ठोक दिया बे। क्या रे ओ भाई साहब, ये बेवड़ा लग रहा है मेरे को कोई, इसको ना बाहर निकल के पहले पीटते हैं। चल आजा बाहर, बाहर बाहर तेरी भैंस की साले। कैमरा देख गया और भाग रहा है, सोच रहा है कोई रिपोर्टर होगा। अबे हट हट हट, अपन गिरे हुए काम नहीं करते क्या? तू रिपोर्टर तो समझ नहीं जमात अपने को। हट बे साला हट, इसकी कार की हालत देखो गाइस, एक पंच की टक्कर में इसकी कार पूरी की पूरी चकना चूर हो गई यार। मतलब यार ये पंच काफ़ी प्यारी है, मुझे तो ये पसंद आ गई भाई सब। अब कुछ भी हो जाए मुझे पंच चाहिए भैया, 2-3 दिन में ही चाहिए। ओ भाई साहब, ये इसका इंटीरियर भी काफ़ी क्लासी है देख रहे हो। और गाइस यार मुझे पंच पर्सनली स्पीकिंग यार मुझे पंच बहुत पसंद आ रही है, और क्या पता मैं शायद से ले भी लूँ। ओ भाई साहब देख रहे हो कितना प्यारा इसका कस्टमाइज किया हुआ है सब। देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका पुश स्टार्ट बटन ऑटोमेटिक है इसलिए क्लच तो होगा ही नहीं, और इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल यार काफ़ी बढ़िया लग रही है पंच तो। यार अभी तो देखो फंस चुका हूँ मैं भी, कौन सी कार लूँ इस चक्कर में। मतलब मुझे पता है यार मुझे प्यारी सी अच्छी सी कार लेनी चाहिए, अभी इसे यहीं रख देते हैं। ओ भाई साहब ये काफ़ी बढ़िया लग रही है, मतलब पंच ना एक नंबर कार लग रही है मेरे को, और मेरा दिल इसी पे आ रहा है। देख रहे हो पीछे पंच की बेजिंग कितनी प्यारी है। यार गाइस एक बार आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करो कि यार मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। देखो मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऑफ रोडिंग भी तगड़ी वाली करनी पड़ सकती है, एंड क्या कहते हैं काफ़ी बार मुझे कार को भगाना भी पड़ सकता है। तो यार अब मुझे सच्ची सच्ची कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। तो गाइस वो बंदा काफ़ी प्यारा है, मतलब वो कंपनी वाला, वो मेरी KTM को यहीं पे लेकर आ गया मेरे पास और कह रहा भैया आप इसे ले जाओ यहाँ से और मैं अपनी पंच ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसी तेरी मर्जी। ओके तो पंच वहीं पे है अभी, वो बंदा जस्ट गया ही है, मतलब थोड़ी देर बाद ही ऑब्वियसली वो उठाएगा पंच को और लेकर जाएगा। तो ओके तो यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर एंड डिसाइड करते हैं कि अपन कौन सी कार लेंगे। ओके तो भाई साहब पुलिस क्यों पीछे पड़ रही है, मेरे को अभी तक पता नहीं चल रहा है, बट ठीक है यार पड़ चुकी है तो कोई बात नहीं, अपन भी इससे पीछा छुड़ा लेंगे क्योंकि अपन ने 5-स्टार वाली पुलिस को धोखा दिया है आसानी से। ये तो कुछ लल्लू पंजूसी पुलिस है, इससे तो क्या डरना है अपने को, समझ ही रहे होगे आप। गाइस आप सभी को पता ही है अपने अपुन ने पिछली बार क्या किया था, मतलब कि इंडिया के सबसे प्यारे मतलब इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की कार चोरी करना कोई आम बात नहीं। और चचा तू पहले मोड़ ले अपनी कार, यार भंगार सी टेम्पो लेकर मेरी KTM के सामने साला आ गया। कोई बात नहीं यार, गुस्सा नहीं होते, आज का दिन काफ़ी प्यारा है इसलिए ठीक है, अंकल को माफ़ कर देता हूँ और अपनी इस KTM को अंदर रख देता हूँ प्यार से। भाई साहब KTM RC390 भी बहुत प्यारी बाइक है, मुझे पसंद आती है। गाइस यार अब मुझे सजेस्ट करो इस फरारी में ना मैं कौन सा रंग करवाऊँ, मतलब यार ये अपनी कार नहीं है, ये चोरी का माल है आप सभी को पता ही चे, तो यार इसको बेचना तो बनता ही चे। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि इस फरारी का मैं कौन से कलर में करवा लूँ, एंड क्या कहते हैं अभी यार ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ कमेंट में गेस करना मत भूलना कि मैंने कौन सी कार इंडिया से इंपोर्ट करवाई होगी, उसके लिए टाटा बाय बाय। और इसका कलर भी कोई यार, इसके फरारी के लिए कोई प्यारा कलर भी सजेस्ट करो प्लीज़।